हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना शुरुआत करने वाले आज जो होगा एसपी के अंदर होगा चैप्टर नंबर 6। जिन बच्चों ने चैप्टर 5 जो मैंने कंप्लीट कर चुका है विथ एक्सरसाइज, अगर नहीं देखा है तो प्लीज बच्चे लोग देख लीजिए। वो वीडियोस मैंने मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए बनाया है, तो प्लीज बच्चे लोग वो सभी वीडियोस देखना है आपको विथ एक्सरसाइज। कहाँ पे भी आपके ऑफलाइन क्लासेस भी जाओगे तो वो भी एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़ाते, बट यहाँ पे एरियन सर के अंदर लेक्चर्स के अंदर आपको सभी चीजें फ्री एजुकेशन मिल रही है, तो ले लो, उठा लो, सभी लाभ उठा लो। यस, और अपने सभी फ्रेंड सर्कल के अंदर ये सब क्या कीजिए, लिंक शेयर कर दीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ शेयर कर दीजिए और कर दिया होगा। जिन बच्चों ने मुझे फॉलो कर रहे तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उन्होंने तो अपने सभी फ्रेंड सर्कल में मेरे ऐसा मोबाइल पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब करवाया रहेगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ये बेनिफिट उन लोगों के लिए कि जिन्होंने क्लासेस ज्वाइन नहीं किया बिकॉज उसका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जरूरी नहीं कि सबकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो, तो प्लीज बच्चे लोग रिक्वेस्ट आप सभी को कि प्लीज जुड़े रहिए और ऐसे ही प्यार बनाते बना के रखिए। और हाँ, यस, आपके कोई 11th स्टैंडर्ड में फ्रेंड सर्कल में है तो उसको भी मेरी लिंक क्या कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि वहां पे भी ऑलरेडी अकाउंट एसपी ओवर पीरियड ऑफ टाइम इंग्लिश एंड ऑल सब लेक्चर शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे तो शुरू हो चुका है ऑलरेडी, एसपी में 6 चैप्टर पे आ चुके हैं, अकाउंट्स के अंदर भी 2 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, उसी चालू कर दिया है मैंने, और इंग्लिश ऑलमोस्ट खत्म होना है, मैथ्स शुरू हो गए, बहुत सारे चीजें मिल रही है यहाँ पे, तो उठा लो आनंद। यस, चलो क्वेश्चन नंबर 6, अरे सॉरी चैप्टर नंबर 6, करस्पॉन्डेंस विद द मेंबर्स। देखो ये चैप्टर्स पढ़ने से पहले आपको चैप्टर नंबर 3 पढ़ लेना है। चैप्टर नंबर 3 क्या करना है, रट्टा मार लेना है। देखो ये वाले चैप्टर्स के अंदर आपको खाली प्रैक्टिकल नॉलेज देगा कि अगर आपको एज अ कंपनी सेक्रेटरी, अगर आपके मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर, अगर शेयर होल्डर से वार्तालाप करनी है तो लेटर कैसे लिखोगे आप, तो ये वाले चैप्टर्स के अंदर वो है। बट उसके अंदर प्रोविजंस क्या होगी, अगर मुझे बोनस शेयर्स देना है तो उसके लिए प्रोविजंस क्या है, मुझे राइट इश्यूज देना है तो उसके लिए प्रोविजंस क्या है, वो ये वाला चैप्टर्स के अंदर नहीं पढ़ाएंगे। ये वाला चैप्टर्स प्योरली प्रैक्टिकल होगा, जो अप टू द पॉइंट लेटर्स लिखने हैं आपको, लेटर्स आपको नहीं तो मैं बोलूं कि 12 से 15 मार्क के लेटर्स आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना। देखो लेटर्स एक ऐसा चीज है कि जहां पे आपको थियरी कम प्रेजेंटेशन ज्यादा दिखाना है, मतलब प्रेजेंटेशन मतलब हार फूल हार बना के मत आना, वहां पे आपको मंडप नहीं सजाना है। यहाँ पे मतलब प्रेजेंटेशन मतलब आप जो भी लिख रहे हो अप टू द पॉइंट लिख रहे हो, कट टू कट लिख रहे हो, जो प्रोविजंस बोलते हैं वही लिख रहे हो, और हाँ आप शॉर्ट में क्या कर रहे हो, लेटर को क्या कर रहे हो, कंक्लूड कर रहे हो। ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होगा जब भी आप लेटर्स लिख रहे हो तभी, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग द लेटर्स वाला पार्ट तुम लोग को एक बेसिक समझा देता हूँ कि जब भी आप लेटर्स लिखते हो तभी क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जो आपके बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में और नीचे थियरी वाले पार्ट में इन लोग ने एक्सप्लेन किया है। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। चलो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और व्हाट्सअप नंबर दिया है आप लोगों के लिए, प्लीज कुछ भी डाउट हो कॉल कर लेना, कॉल मत करना मैसेज कर लेना, सॉरी। यस, चलो करस्पॉन्डेंस विद द मेंबर्स, इंट्रोडक्शन, शेयर होल्डर आर द ओनर्स वो कॉन्ट्रीब्यूट द कैपिटल ऑफ द कंपनी, ऑफकोर्स जो कैपिटल के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करता है उसको शेयर होल्डर बोलते हैं, शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी। एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी द सेक्रेटरी कम इन टू द कॉन्टेक्ट विद ऑल द मेंबर्स थ्रू अ करस्पॉन्डेंस। सेक्रेटरी एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स। देखो कंपनी सेक्रेटरी कौन है, वो एक लिंक है किसके बीच में, डायरेक्टर और मेंबर्स के बीच में। मतलब सपोज फॉर एग्जाम्पल कुछ मेंबर को डाउट है, शेयर होल्डर को कुछ डाउट है, तो वो सेक्रेटरी को पूछेगा, मतलब कंपनी सेक्रेटरी, और वो कंपनी सेक्रेटरी वो बात किधर लेके जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास लेके जाएगा, टॉप मैनेजमेंट के पास लेके जाएगा। द सेक्रेटरी हैज टू कम्युनिकेट द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट एंड अदर इन्फॉर्मेशन टू द मेंबर बाय थ्रू अ करस्पॉन्डेंस। देखो आज सपोज कि मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन ले लिया तो वहां पे सपोज कि फॉर एग्जाम्पल कोई जयपुर में अपना शेयर होल्डर बैठा है, उसको सपना थोड़ी आएगा कि मुंबई में मैनेजमेंट ने ये डिसीजन ले लिया, नहीं ना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी सेक्रेटरी की, उसको क्या करना है, लव लेटर लिखना है, मतलब लेटर्स लिखना है। लव लेटर का मतलब यहाँ पे क्या है, लेटर्स लिखना है किसको, सेक्रेटरी को, किसको, जो जयपुर में अपना शेयर होल्डर बैठा है उसको बताना है कि अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में आज मीटिंग थी और ये सब डिसीजन लिए गए है। द सेक्रेटरी शुड बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल वाइल करस्पॉन्डिंग विद द मेंबर ऑफ द
कंपनी जब भी वो सेक्रेटरी मेंबर्स के साथ वार्तालाप करेगा तभी बहुत कॉशियस, मतलब एक सिंपल लैंग्वेज यूज करना है, प्रॉपर रिस्पेक्ट देनी है, प्रॉपर ट्रस्ट दिखाना है कि जो भी लेटर्स लिख रहे हैं उसके अंदर सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी आलतू फालतू बातें ना हो, मतलब ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है एज अ कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, तो क्या क्या प्रिकॉशन, क्या क्या प्रिकॉशन एज अ कंपनी सेक्रेटरी, सपोज कि फॉर एग्जांपल आज सपोज कि आप रिलायंस के सेक्रेटरी हो, तो आप रिलायंस के सेक्रेटरी के होते आप अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल आप लेटर लिख रहे हो तो सामने वाला ये नहीं पढ़ेगा कि मिस्टर हिरेन गेड़िया पढ़ रहा है, मिस्टर हिरेन सीएस हिरेन गेड़िया पढ़ रहा है, नहीं वो ये समझेगा कि रिलायंस क्या बोल रही है। सपोज कि फॉर एग्जांपल आज रिलायंस का कंपनी सेक्रेटरी लेटर लिख रहा है, मतलब ये बात रिलायंस बोल रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सामने वाले का माइंडसेट क्या करना है आपको रीड करना है, आपको अपना इमेज क्रिएट नहीं करना है, आपको किसको रिप्रेजेंट करना है, कंपनी को रिप्रेजेंट करना है। ये कंपनी सेक्रेटरी की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब भी आप फेस लेके जा रहे हो तो आप अपनी कंपनी को क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, जब भी रिप्रेजेंट कर रहे हो तभी आपको अपनी इंडिविजुअल गुडविल का ना सोचते, आपको किसकी सोचनी है, कंपनी की और ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल के बारे में सोचना होगा। तो ऐसे सपोज कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी होता, अगर मुझे मेंबर्स के साथ कुछ वार्तालाप करनी है तो कौन से प्रिकॉशन बिफोर राइटिंग द लेटर्स, क्या क्या चीजें मेरे माइंड में होनी जरूरी है। देखो, द कंपनी सेक्रेटरी हैज टू करस्पॉन्डेंस विद द मेंबर ऑन अ वेरियस ओकेशन व्हाइल राइटिंग द वेरियस लेटर, सेक्रेटरी शुड गिव द ड्यू रिस्पेक्ट टू द मेंबर, मतलब डियर सर डियर मैडम आपको क्या करना है, रिस्पेक्ट देनी होगी। प्रोवाइड अ कंप्लीट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन आप लेटर के अंदर लिख रहे हो वो क्या होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, 100% एक्यूरेट होनी चाहिए। थस राइटिंग अ लेटर टू द मेंबर इज चैलेंजिंग टास्क एंड इज रिक्वायर्ड स्किल नॉलेज एंड टेक्निक, मतलब आपको लगता है कि लेटर लिखना इज वेरी इजी, नहीं। आप अगर कोई अगर सपोज कि इन फ्यूचर में आप सीएस बन गए, आप कोई कंपनी के सीएस हो गए, बड़ी कंपनी लिस्टेड कंपनी के सीएस बन गए, अगर आपको एक लेटर लिखने बोलेगा ना तो आपको होशो आवाज उड़ जाएगी, पसीना छूटने लगेगा। आज अपने को लग रहा है कि लेटर लिख पाएंगे बहुत इजी है, नहीं बॉस, तभी आपको एक सब्जेक्ट लाइन दी रहेगी, वो सब्जेक्ट लाइन के बेस पे आपको पूरा एक पेज डेढ़ पेज का क्या करना है, एक्सप्लेनेशन देना है, समझ में। और वो एक्सप्लेनेशन आपके कंपनी के अंदर सपोज कि फॉर एग्जांपल थाउजेंड्स ऑफ शेयर होल्डर है, वो थाउजेंड ऑफ शेयर होल्डर को क्या करनी है, लेटर्स नोटिस क्या करनी है, सर्कुलेट करनी है। तो कोई भी ऐसा वर्डिंग आपको ऐसा नहीं लिखना है कि जो आप नहीं आपकी कंपनी ट्रबल में ना आ जाए, समझ में। मैं तुम लोग को हमेशा बोल रहा हूँ कि कंपनी सेक्रेटरी यहाँ पे राइटिंग कर रहा है, चलो मानता हूँ, बट वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या क्या प्रिकॉशन ध्यान में रखना है, पहला है करेक्ट इन्फॉर्मेशन, कि जो भी इन्फॉर्मेशन अगर कंपनी सेक्रेटरी लिख रहा है मेंबर्स के लेटर्स के अंदर वो क्या होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। तो सेक्रेटरी शुड ऑलवेज प्रोवाइड अ करेक्ट अप टू द डेट एंड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन टू द मेंबर, ड्यू केयर शुड बी टेकन वाइल गिविंग द फैक्ट्स एंड फिगर, आपको जब भी कोई भी फिगर्स लिख रहे हो तो आपको वो डबल टाइम श्योर हो जाना है, तभी जाके आप क्या करोगे, लेटर्स के अंदर वो फिगर लिखोगे। नेक्स्ट है ल्यूसाइड लैंग्वेज, ल्यूसाइड का मतलब यहाँ पे होता है सिंपल लैंग्वेज, जरूरी नहीं कि सभी अपने शेयर होल्डर पढ़े लिखे हो, सबको फ्रेंच आती हो, नहीं, आपको सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है, जितना हो सके एलोबरेट करना है, सिंपल लैंग्वेज लैंग्वेज में क्या करना है, लेटर्स को लिखना है। तो सेक्रेटरी मस्ट सिंपल वर्ड सिंपल सेंटेंस एंड एडॉप्ट द कन्वीनियंट स्टाइल व्हाइल राइटिंग द लेटर्स टू द मेंबर, टेक्निकल वर्ड लॉन्ग सेंटेंस शुड बी अवॉइडेड, आपको बड़े बड़े वर्ड बड़े बड़े सेंटेंस फॉर्मेट नहीं करना है, फॉर्मेटिंग बहुत छोटी सी रखनी है, अप टू द डेट रखनी है, अप टू द पॉइंट रखनी है, इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है प्रॉम्प्ट रिप्लाई, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स का मतलब होता है प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स का मतलब होता है प्रॉम्प्ट रिप्लाई, प्रॉम्प्ट का मतलब सर क्या होता है, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है फास्ट। सपोज कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स है जो अपनी कंपनी के अंदर, सपोज कि फॉर एग्जाम्पल मैं रिलायंस कंपनी का अज्यूम करो, मैं हूँ नहीं पर अज्यूम करो, मैं रिलायंस कंपनी का सी एस हूँ, मुझे कोई रिलायंस कंपनी का शेयर होल्डर एक क्वेरी पूछता है कि रिलायंस मुझे ये कंपनी की क्वेरी है, ये मेरा क्वेश्चन है, आप प्लीज गिव मी द आंसर। तो आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसको जवाब क्या दो, प्रॉम्प्ट दो, प्रॉम्प्ट मतलब लेटर्स का रिप्लाई एटलीस्ट 7 days में पहुंच जाना चाहिए उसके घर पे, कि उसका जो भी क्वेश्चन आया उसको क्या कर देना, आंसर कर देना, इज नथिंग बट
प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, प्रॉम्प्ट रिप्लाई। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल आप कोई मिस्टर एक्स रिस्पॉन्स लेटर लिख रहा है, आप अपनी मर्जी से 15-20 दिन के बाद लेटर का आंसर कर रहे हो, इमेज की धजिया आपकी कंपनी की उड़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमेशा मैं बोल रहा हूँ कि कंपनी सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी क्वेरीज आ रही है उसको क्या करना है, टाइमली रिप्लाई देना होगा। द सेक्रेटरी मस्ट बी प्रॉम्प्ट इन सेंडिंग द रिप्लाई टू द लेटर्स रिसीव फ्रॉम द मेंबर। एनी क्वेश्चंस और क्वेरी रेज बाय द मेंबर मस्ट बी प्रॉम्प्टली रिप्लाई बाय द सेक्रेटरी। ये सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो लेटर लिख के भेजेगा, वरना आपको हायर ही क्यों करता था। समझ में आ रहा है कि नहीं? कंप्लेंट लेटर शुड बी प्रॉम्प्टली अटेंडेड टू विदाउट एनी डिले। जो भी कंप्लेंट आ रहा है उसको फटाफट क्या करना, सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट है सीक्रेसी। आप जो भी इंफॉर्मेशन लिख रहे हो लेटर्स के अंदर सीक्रेट होना चाहिए। जैसे कि अपन देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज डॉक्यूमेंट अपने को ऐसे एनवेलप में ऐसे फोल्ड होके आता है, मतलब अंदर वाली इंफॉर्मेशन अंदर छुपा के रखते हैं, बाहर ब्लैंक ही दिखता है अपने को। तो वो क्या है, एक इंफॉर्मेशन हिडन है, वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है जो खाली जो सेंडर जो भेज रहा है और जो रिसीव करने वाला है उसके अलावा बीच में किसी के पास भी एनवेलप आ जाए उसको ये इंफॉर्मेशन के बारे में मालूम नहीं पड़ना चाहिए। वैसे क्या करना है, आपको इन्फॉर्मेशन छुपा के रखनी है। द सेक्रेटरी शुड नॉट डिस्क्लोज एनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी टू द मेंबर। द सेक्रेटरी शुड टेक्टफुली आंसर द सम लेटर विदाउट गिविंग टू से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। सर्टन टाइम्स ऐसा होता है कि मैनेजमेंट बोलता है कि ये इन्फॉर्मेशन देखो मेंबर्स को नहीं बतानी है, तो आपको नहीं बतानी क्योंकि आपके अल्टीमेटली काम किधर कर रहे हो, कंपनी के मैनेजमेंट के अंडर काम कर रहे हो। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आप मैनेजमेंट को मेंबर्स को बता दो और मेंबर से वो बात फैला दी तो कहाँ ना कहाँ जो कंपटीशन है वो कंपटीशन डाउन हो जाएगी। तो भले आई नो कि भाई ओनर है तो सभी इन्फॉर्मेशन बताना इज नॉट जरूरी, नॉट नेसेसरी कि आपको सभी इन्फॉर्मेशन बतानी है अंटिल एंड अनलेस जरूरत हो तो। समझ में आ रहा है कि नहीं? अदरवाइज आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन छुपा के रखनी है टू द सम एक्सटेंट, टू द सम एक्सटेंट। नेक्स्ट पोलाइटनेस। पोलाइटनेस मतलब मैंने तुमको बोला कर्टसी, डियर सर, रिस्पेक्ट देनी है। यस, तो कर्टियस लेटर शुड प्रॉम्प्ट सिंपथी, रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। पोलाइटनेस मीन्स यूज ऑफ द कर्टियस लैंग्वेज। अ कंप्लेन लेटर शुड बी रिप्लाई पोलाइटली। अगर सपोज फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐसा मिस्टर एक्स ऐसा मालूम है कि वो टेढ़ा ही है, आपको खुद को मालूम है कि वो टेढ़ा क्वेश्चन ही पूछेगा, तो भी आपको उसको शांति से आंसर करना होगा। मतलब पोलाइट लैंग्वेज यूज करना है, रूड लैंग्वेज यूज नहीं करना है। अल्टीमेटली वो मालिक है भाई, शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, यस और नो? तो रूड लैंग्वेज शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड व्हाइल करस्पॉन्डिंग विद द मेंबर्स। नेक्स्ट सिक्स लीगल मैटर। ऑफकोर्स जहां जहां आपको लग रहा है कि मुझे कंपनी से का रेफरेंस देना है, मुझे मतलब सेक्रेटरी है, मुझे अगर देखो मैं जैसे अभी अभी बोल रहा हूँ ना, मुझे मतलब सेक्रेटरी हूँ मैं, तो मुझे अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल अगर कोई लेटर लिख रहा हो और जहाँ पे मुझे लग रहा है कि वहाँ पे मुझे कंपनी सेक का रेफरेंस डालना चाहिए तो डालना पड़ेगा वो लेटर्स के अंदर कि भाई कंपनी सेक 62 सेक्शन 62 ऑफ द कंपनी सेक 2013। तो क्या रीडर को भी समझ में आएगा कि हाँ भाई 62 में अगर वो यहाँ पे खाली रेफरेंस दे रहा है तो अगर उसको चाहे तो वो क्या करेगा, कंपनीज एक्ट का गूगल करके डिटेल में क्या करेगा, एक्सप्लेनेशन ले लेगा। तो जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ वहाँ लीगल मैटर के अंदर आपको क्या करना है, कंपनीज एक्ट का रेफरेंस देना है, कंपनीज रूल का रेफरेंस देना होगा किधर, लेटर्स के अंदर। द सेक्रेटरी शुड कंपल्सरी फॉलो द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विद द लेटेस्ट अमेंडमेंट एंड अदर रिलेवेंट लॉज while corresponding with the member while drafting this letter if necessary। जो मैं तुम लोगों को बोला ना कि जरूरत पड़ी तो आपको क्या करना है, secretary should consult with the legal advisor on the certain matter। next consideration। consideration का मतलब आप जब भी letters लिख रहे हो ना तभी सामने वाले को consider करना है, मतलब आपको ये नहीं सोचना कि मेरी responsibility letter लिखना है, मेरी responsibility is over। आपको सामने वाले को समझना है कि सपोज कि फॉर एग्जांपल अगर अज्यूम करो कि ये लेटर्स मैंने लिखा और ये अज्यूम करो अपने आप कि ये लेटर अगर मेरे को आया होता किसी और से तो मैं क्या इसको ट्रीट करता। तो आपको जब भी आप लिख रहे हो तभी आपको सेंडर और रिसीवर, सामने जो रिसीवर मेंबर बैठा है उसको कंसिडर करके क्या करना है, लेटर्स को लिखना होगा। तो इज नथिंग बट कंसिडरेशन। द राइटर शुड ड्यू द इम्पोर्टेंस एंड कंसिडरेशन टू द रीडर एंड कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ द मेंबर। जब भी वो कोई लेटर लिख रहा है कंपनी सेक्रेटरी तभी आपको मेंबर्स के
मेंबर्स के ऐसा एज्यूम करना कि मेरे को भी मैं भी मेंबर्स हूँ, मैं मेंबर्स की प्लेस पे अगर मैं बैठा होता तो मुझे ये लेटर्स क्या होता, और मेंबर्स का जो भी क्वेरी आ रही है उसका भी आंसर करना है वो लेटर्स के अंदर। मालूम किया कि मिस्टर एक्स से कुछ क्वेश्चन पूछा, आप कुछ आंसर कुछ अलग ही दिख रहे हो, मतलब जिसका कोई रिलेवेंस ही नहीं है क्वेरी से, तो चलेगा नहीं। तो आप जब भी आप लिख रहे हो आंसर, तभी आपको वो प्रॉब्लम का क्या करना है, कंसिडर भी करना होगा। While sending the negative replies, he should be draft this letter more carefully so that member should not be hurt. जब भी आप लेटर्स का रिप्लाई करो, जब भी ऐसा लगता है कि भाई कभी कभी अपने को लगता है कि यहाँ पे मेंबर्स हर्ट हो सकता है, जहाँ पे मेंबर्स की फीलिंग को हर्ट हो सकती है कि भाई यहाँ पे उसको लगेगा कि मैं कंपनी का मालिक हूँ और ये क्या सुना के चला गया मुझे, तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। देखो ये आज जो मैं लेवल पे तुम लोग को सिखा रहा हूँ, तुम लोग को ये सब बहुत ऐसा लगेगा कि सर क्या बोल रहे हैं, बट अगर 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 मगर अगर आप सीएस बन गए इन फ्यूचर में और बड़ी कंपनी के सीएस बन जाओ, उम्मीद करता हूँ मेरे सभी बच्चे लोग सीएस बन जाए और बड़ी बड़ी कंपनी में क्या हो जाए, सीएस बन जाए, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं तुम लोग को आज मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ ना, वो आपको क्या कहोगी, याद आएगी, हाँ यार हीरेन सर ने बोला था ये चीज़ें। यस, तो जब भी आप लेटर लिख रहे हो, मेंबर को देवता समझना है, उसको जो भी डाउट है उसके क्लियर करना है, जो भी क्वेरीज है उसको क्या करना है, सॉल्व करना है और पोलाइटली करना है। यस, सेक्रेटरी शुड मेक द मैटर मेंबर फील दैट मैनेजमेंट होनेस्टली रिग्रेट रिफ्यूजल। और लास्ट है इमेज ऑफ द गुडविल। तुम लोग को मालूम है कि नहीं मालूम होता है कि आई डोंट नो कि आज अपोज के घर पे सपोज कि फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट आता है, अपन वो प्रोडक्ट का ब्रांड देखते हैं, अपन ब्रांड देख के समझ में आ जाता है कि भाई इसकी पैकिंग देख के समझ में आता है कि बड़ी कंपनी है, क्यों, ये एक इमेज है। तो लेटर भी एक इमेज है कि आज सपोज कि फॉर एग्जांपल कंपनी के रिलायंस कंपनी का लेटर आएगा और वो सपोज कि फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी का लेटर देखना, उसका अपन इवन तो बड़े बड़े लोग हैं ना, उसका पेपर की क्वालिटी देख के अज्यूम कर लेते हैं ये कंपनी कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमेशा लेटर्स आप ऐसा लिखो कि आप, हमने तो वो स्टार्टिंग में बोला कि लेटर्स आप क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो अपनी कंपनी को, आप अपनी गुडविल आगे नहीं बढ़ा रहे हो, आप कंपनी की गुडविल आगे बढ़ा रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एक क्या है, इमेज है, क्या आप रिलायंस का लेटर रेट पे कंपनी सेक्रेटरी ऐसा लेटर लिख रहे हो तो सामने वाला मेंबर्स क्या प्रेडिक्ट करेगा, आप रिलायंस बोल रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। यस, द सेक्रेटरी शुड ट्राई टू प्रोजेक्ट गुड इमेज ऑफ द कंपनी इन एवरी सिचुएशन। व्हाइल ड्राफ्टिंग अ लेटर सेक्रेटरी हैज टू ट्राई हिज बेस्ट टू रिमूव देयर डाउट क्वेरीज एंड डिफिकल्टीज इन पोलाइट एंड कर्टियस मैनर। ठीक है, तो ये 8 चीजें हैं, जब भी आप कोई लेटर लिख रहे हो, कोई भी लेटर लिख रहे हो, मेंबर्स को लिख रहे हो या तो फिर डिबेंचर होल्डर को लिख रहे हो या तो फिर डिपॉजिटर को लिख रहे हो, ये सब चीजें पॉइंट क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। एवरी लेटर के स्टार्टिंग के अंदर आपको ये सब चीजें रिपीट किया है, मैं वो टाइम पे नहीं पढ़ाऊंगा। यस, चलो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सर्टन सर्कमस्टेंसेस दी है, ये सर्कमस्टेंसेस में यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा तुम लोग को, ये मैं लेके जाऊंगा नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक लेटर को आराम से जाएंगे, एक ऐसा रहेगा तो एक उसके अंदर दो ही लेटर करेंगे, बाकी के आगे आगे बढ़ेंगे। मतलब कोई घाई नहीं मुझे यहाँ पे कि आपका सिलेबस फटाफट खत्म करके मेरे को फ्री हो जाना है, नहीं, आराम से जाएंगे। ये वाले पार्ट के अंदर अपन खाली जस्ट बेसिक देखा, नेक्स्ट वाले आने वाले पार्ट के अंदर अपन देखेंगे कि कौन सी सिनेरियो में एक्चुअल में कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है, लेटर्स लिखता है मेंबर्स को। आपको बात करूं तो आपके सिलेबस के अंदर हार्डली मैंने देखा है कि ये चैप्टर की बात करूं मेंबर्स के लेके, तो हार्डली 5 या 6 ही लेटर्स दिए मैक्सिमम। बट बहुत सारे सिचुएशन ऐसे क्रिएट होती है कंपनी के अंदर जहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी लेटर लिखता है किसको, अपने मेंबर्स को। तो मेरे हिसाब से जो ओल्ड बुक है ना, ओल्ड बुक के अंदर देर आर वहाँ पे कुछ उन लोग ने ज़्यादा लेटर्स दिए, कुछ तो 8 से 10 लेटर्स दिए। तो अगर आपको जब भी टाइम मिला तभी ओल्ड बुक जरूर रिफर करना बच्चे लोग, आपको ये लेटर्स करने के बाद वो लेटर्स उधर भी बहुत अच्छे अच्छे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना एक रिग्रेट लेटर करके जो आपके यहाँ पे नहीं दिया है न्यू सिलेबस के अंदर, बट ओल्ड सिलेबस के अंदर रिग्रेट लेटर भी दिया है, तो बच्चे लोग वो जरूर करना। हमेशा एवरी ईयर में बोलते रहता हूँ सभी बच्चों को कि आपको ये लेटर के अलावा वो ओल्ड बुक के अंदर जितने भी नए लेटर्स है वो भी लेटर्स आपको क्या करना है, करना होगा। हाँ, जहाँ पे 1956 का रेफरेंस है वो हटा के 2013 एक्ट का क्या करना है, रेफरेंस देना होगा अगर रहेगा तो, अदरवाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन रहेगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड लेटर रहेगा तो वो एज इट इज क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये वाला वीडियो यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे लेटर्स जो एक्चुअल पार्ट होगा आपका ये चैप्टर्स का। तो टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए, थैंक यू सो मच।